कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका बोलो इंडिया एक्सप्रेस के यूट्यूब मंच पर। मैं हूं पंकज कुमार। चलिए आज हम बात कर लेते हैं लोकसभा इलेक्शन, जिसकी पूरी भारत में सरगर्मियां तेज हैं। प्रत्याशी और मंत्री और नेता जोर शोर से लगे हैं कि अब की बार हमारी सरकार, अब की बार हमारी सरकार। देश ये सब देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव सर चढ़कर बोल रहा है और भारत के अंदर चुनावी पर्व चल रहा है। चलिए आज बात कर लेते हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 में, और मुद्दे पर हमारा जो सिस्टम रहेगा आज, मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं महंगाई के। कोई करे या ना करे, पर मुद्दे पर बात हमारी करना फितरत है। और आज हम बताएंगे आपको कि मुद्दे में महंगाई ही क्यों, 370 भी हो सकता था या राम मंदिर भी हो सकता था। हाँ, वो भी आएंगे, उनका भी नंबर आएगा, आगे उनके बारे में भी बताएंगे। पर आज हम बात करते हैं महंगाई की, कि जिससे पूरा भारत त्रस्त है। गरीब जनता से आप महंगाई पूछिए, एसी में बैठने वाला और जनता जो जिसको आप 5 किलो राशन देते हैं वो किस तरीके से लाचार और बेबस है महंगाई से। चलिए आज हम बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम सोने का मुद्दे में भी रहेगा, सोने का भाव। सोने का भाव हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सोना कहीं ना कहीं पूरे भारत वर्ष में महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, और सोने के भाव की बात हम क्यों ना करें। जब प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं मंगलसूत्र पर बात कर रहे हैं तो मंगलसूत्र भी सोने का ही बनता है। तो चलिए सोने के भाव की बात करते हैं। सोने का भाव 2014 में था कितना था भैया, देख लीजिए। 2014 में सोने का भाव 10 ग्राम था 26,000 रुपए का केवल, और चांदी थी 1 किलो 36,000 रुपए की केवल। अब आप इजाफा देखिएगा, इतना इजाफा मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, जो बोल रहे हैं सब लोग वही मैं बोल रहा हूं। मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो ये, मोदी हो या देश का कोई प्रधानमंत्री होता, मैं उससे भी यही पूछता कि इतनी महंगाई क्यों। आज 10 ग्राम सोने का भाव 71,234 रुपए है और प्रति किलो चांदी 82,449 रुपए प्रति किलो है। अब आप लगभग 3 गुना के आसपास, और 3 गुना का इजाफा हो रहा है 10 साल में, और प्रधानमंत्री जी 3 गुना इजाफा हुआ है क्या इनकम में। चलिए इनकम की भी बात कर लेते हैं, गरीब जनता की बात कर लेते हैं, और हम सरकारी आंकड़े की बात करते हैं, हम सरकारी संस्थाओं की बात करते हैं, तो मनरेगा ही प्रतिदिन की एवरेज एक दिहाड़ी की बात कर लेते हैं, यानी कुल मिला के उसका मेहनताने की बात कर लेते हैं। तो यूपी में बात करोगे तो आज 230 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आज, और 2014 में ये था 142 रुपए, वो भी कांग्रेस सरकार गई थी तब उसने 142 रुपए करके गई थी, जब शुरुआत में 2008-08 में लगभग इसकी 100 ही रुपए थी। तो 142 और क्या, इस दोनों के बीच में 3 गुने का अंतर लग रहा है आपको। अगर 140 के हिसाब से तो 14 से 42, 420, 230 ही है। और अगर आज की बात करेंगे, अगर इसको 3 गुना लेकर जाएंगे, 230 को भी 3 गुना कर लो तो 690 रुपए हो रहा है। तो क्या 690 रुपए हमें मिल रहा है? अगर ये आपकी 690 रुपए इनकम होती तो इस महंगाई को आप झेल पाते, सोना तब भी ना खरीद पाते। कौन सा गरीब आदमी ऐसा है भारत के अंदर जो इस टाइम सोना खरीद रहा है? अरे जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के भरोसे बैठे हो, वो सोने का भाव ऐसे नहीं जाएगा तो कैसे जाएगा? जिसके पास बेरोजगारी, रोजगार है नहीं लोगों के पास, तो ये सोना वाला 71,000 वाला नहीं खरीद पाएगा। एक आम जनता का आदमी पढ़ा नहीं पा रहा बच्चों को, तो ये सोना कहां से खरीदेगा 71,000 रुपए में? तो सिस्टम आप देखिए कि जिस एमपी की आप बात कर रहे हैं, जिस एमपी के लिए आप रात दिन झंडा ऊंचा कर रहे हो, जिस एमपी के लिए आप रात दिन मेहनत कर रहे हो, वो एमपी आपको दिखेगा नहीं। अब क्यों ना दिखेगा? क्योंकि पीएम मोदी 2014 में आए थे, उसके बाद जुमलेबाजी करे, उसके बाद सिस्टम करे, देश में 2-3 बड़े काम करे, ये तो सभी करते हैं। अगर कोई आदमी एक रोड से जा रहा है, अगर यहां से दिल्ली तक जाएगा तो समय लगेगा, तो वो कुछ ना कुछ करेगा ना, करेगा ना। तो वैसे ही मोदी जी की एक सिस्टम है, 2014 से चले अभी तक 2024 में उन्होंने 100 स्मार्ट सिटी बना दी, उन्होंने आय दुगनी कर दी किसानों की, उन्होंने पेट्रोल 40 रुपए में कर दिया, गैस सिलेंडर 500 रुपए मिल रहा है, 300 रुपए मिल रहा है। हाँ महंगाई है। अरे भारतीय जनता पार्टी, आप इस क्रोनोलॉजी को समझो। मैं सवाल सत्ता से करता हूं, और सत्ता से क्यों ना करूं, स्वतंत्र देश का मतलब सत्ता से नहीं सरकार सवाल करेगा तो क्या विपक्ष सवाल करेगा? आप विपक्ष भी सत्ता में आएगा कभी
तो हम उससे भी सवाल करेंगे, हमारा काम ही है सवाल करना, हमारा काम ही है जनता को मुद्दे की बात करना। तो इस बार जनता ध्यान रखना, जब भी वोट डालने जाए तो अपनी वोट पर चोट देने से पहले महंगाई को जरूर याद रख लेना कि बात जब मंगलसूत्र की आ रही है तो मंगलसूत्र सोने से ही बनता है। सोने के भाव को आप देखकर आपका दिमाग अगर नहीं खुल रहा है और आप अगर 5 किलो राशन में मस्त रहेंगे तो कभी 71,000 रुपए का सोना नहीं खरीद पाएंगे। चलिए आज की चर्चा में इतना ही। महंगाई से निजात पाना है तो बटन को सोच समझ के दबाना है। सोच समझ कर दबाने का अर्थात मतलब मेरा यह है कि आप अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर, अपनी गरीबी को लेकर, अपनी महंगाई को लेकर, अपनी बेरोजगारी को लेकर, वो फिर जो काम करे उसको वोट देना है। वोट आपका निजी मामला है। और हाँ, हमारा एक अपील यही है कि वोट जरूर करने जाएं। देश में चुनावी पर्व चल रहा है, उस पर्व का आनंद उठाएं, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज की चर्चा में इतना ही। महंगाई पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं था पंकज कुमार, आप देख रहे थे बुल इंडिया एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत। Thank you.